हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर DPI में ज्ञापन सौंपा और मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया। इनने बोला है जो शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी 2 तारीख को, वो जल्द से जल्द पूरी करवा जाए। और अतिथि शिक्षक भोपाल में आंदोलन कर रहे हैं, रैलियाँ निकाल रहे, सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनका जल्द से जल्द नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि सरकार आश्वासन देती है लेकिन मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का अब तक नियमितीकरण नहीं हो पाया। तो इसको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर मैं दिखाने वाला हूँ। KC पवार जी ने क्या कहा है अतिथि शिक्षकों को लेकर, आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने से अपडेट पाने के लिए। KC पवार जी का क्या कहना है मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, तो क्या कहना है DPI का और मुख्यमंत्री का, वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरे देखें। नियमितीकरण की मांग को लेकर अब मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना है कि हर बार सरकार से उन्हें अपनी मांगों को लेकर आश्वासन मिलता है, लेकिन इस बार हम हर को झटका देने की तैयारी में हैं। हमारी योजना सर, हम पिछले 15 वर्षों से शासन से अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की मांग कर रहे, हर बार आश्वासन दर आश्वासन दिया। हर बार चुनाव आता है, हमें लॉलीपॉप दे दी जाती है, एक बयान दे दिया जाता है कि हम अतिथि शिक्षक को नियमित करेंगे। चुनावी वर्ष है, हम अब किसी प्रकार के आश्वासन और किसी प्रकार की लॉलीपॉप में नहीं आने वाले। इस बार हम ऐसा निर्णय आज इसी धरा पर ले रहे हैं कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। भाइयों एवं बहनों, हम हमारी समस्याओं को लेकर आज भोपाल में हैं। आज हमने जिसे मुलाकात कर अतिथि शिक्षक महापंचायत में जो घोषणाएं हुई थी उनके आदेश निकालवाने का आग्रह किया। साथ ही हम लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक महोदय आदरणीय श्री कुशवाहा जी से मिले, उनसे भी हमने जो अतिथि शिक्षक हमारे बाहर हो रहे हैं और जो हमारे अतिथि शिक्षकों का वेतन 4-6 महीने से लंबित है, मुलाकात की। मेरे साथ में आजाद टीम के बहन भारती सोनी, बबीता चौहान, प्रमोद जागरे,